लास्ट जो पॉइंट है वो है सेलवल लेस बैक्टीरिया सेलवर लेस मतलब दो तरीके की सेलवल लेस बैक्टीरिया हो सकते हैं एक है जिसके मतलब जिसका सेलवॉल पहले था लेकिन कुछ केमिकल ट्रीटमेंट के बाद उसका सेलवॉल डेफिशिएंट हो गया सेलवॉल लैक हो गया है एक हो सकता है और दूसरा टाइप क्या हो सकता है दूसरा टाइप हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है कि वो पहले से ही सेलवॉल इसका फॉर्म ही नहीं होता है मतलब सेलवल लेस बैक्टीरिया है एलो. तो दो टाइप होता है फर्स्ट जो टाइप है वो है सेल वॉल डेफिशियंट बैक्टीरिया और लैक ऑफ सेल वॉल जो बैक्टीरिया का होता है उसको हम देखेंगे मतलब सपोज यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है सेल वॉल और पेप्टीग्रोकन लेयर एंड उसके अंदर ही जो है वो है सेल मेम्ब्रेन ठीक है अगर हम एक केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे इस सेल के ऊपर तो क्या क्या करेगा तो पेप्टीग्रोकन जो लेयर है वो अगर लॉस हो जाएगा और लैक हो जाएगा मतलब उसका हम हटा देंगे तो क्या हमको मिलेगा एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ए सेल जो टिका रहेगा इस तक इस जो लेस और पिप्टन लेस जो बैक्टीरिया होगा ग्राम पॉजिटिव के लिए उसको बोला जाएगा प्रोटोप्लास्ट स्ट्रक्चर वही चीज अगर ग्राम नेगेटिव में हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव के एक बाहर में आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा उसके नीचे पेप्टोलाइकन उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होगा इसके ऊपर हम केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो पेप्टोलाइकन लॉस्ट होगा पेप्टोलाइकन लॉस्ट होने के बाद हम देखेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है लेकिन पेप्टोलाइकन नहीं है ये जो स्ट्रक्चर मतलब पेप्टोलाइकन लेयर लेस स्ट्रक्चर और सेल वॉल लेस जो स्ट्रक्चर है फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसको बोला जाएगा फेरोप्लास्ट ठीक है तो एल फॉर्म इसको इस दोनों को ही बोला जाता है एल फॉर्म बैक्टेरिया इसको एल्फॉर्म बैक्टीरिया बोला जाता है और एल्फॉम बैक्टीरिया इसको क्यों बोला जाता है क्योंकि ये जो एलफॉर्म बैक्टीरिया है इसको फास्ट जो आइसोलेट किए थे वो थे एमीबर्गर नोबेल एनी कि नोबेल इन्होंने फास्ट इसको डिस्कवर किए थे और आइसोलेट किए थे एंड एल्फॉर्म जो नाम था उन्होंने दिया था उन्होंने जिस इंस्टीट्यूट में काम किए थे लिस्टर इंस्टीट्यूट लिस्टर इंस्टीट्यूट के काम करने के लिए इस लिस्टर के एल के जो एल जो फास्ट लेटर है उसको ले इसको नाम दिया गया है एल फॉर्म ठीक है लिस्टर इंस्टीट्यूट इन लंडन में उन्होंने काम किए थे इस नाम के नाम के लिए इसको दिया, दिया गया कि एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया ओके एंड लास्ट जो चीज है वो है लेस फॉर्म मतलब यहाँ पे जो बैक कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पूरा लाइफ में कोई भी सेलवाल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ठीक है

हेल्प करता है ठीक है इसका ब्रास्ट हो जाने के हो जाने का जो प्रोटेक्शन है ये इनको मिलता है स्टेरॉल लाइक स्ट्रक्चर के लिए ठीक है तो ये पूरा